दोस्तों एप्लीकेशन के डेवलपमेंट कॉस्ट इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि हम लोग ये सोचते हैं कि कोई थर्ड पार्टी ऐप बना बनाया हमें मिल जाए। सेम चीजें ओटीटी में भी हो रही हैं। देखो जानते हो ऐसे नॉर्मली कोई एप्लीकेशन हो ना, मतलब जो टेक्निकली फील्ड से हो, तो वो किसी और का एप्लीकेशन तो नहीं खरीदेगा, ठीक है। आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या हमें किसी थर्ड पार्टी का बना बनाया ओटीटी एप्लीकेशन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों, लास्ट तक देखना। आपको अगर आप नॉन टेक्निकल हो तो आपको ये तो समझ में जरूर आ जाएगा कि आपको किसी तीसरे बंदे का ऐप खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। उसके पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी, चलो हम ओटीटी की बात हटाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हमें थर्ड पार्टी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि अगर कोई तीसरा बंदा आपको अपना बनाया बनाया हुआ एप्लीकेशन बेच रहा है, इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं, ठीक है। या तो वो अपने एप्लीकेशन से पैसा नहीं कमा पा रहा है, ठीक है, या फिर उसके एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा बग्स है, उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो निकालना चाहता है, ठीक है। यही चीजें ओटीटी में भी होती है, सेम चीजें हो रही है यहाँ पे भी, ठीक है। अब जो नॉन टेक्निकल है और मोस्टली जो फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस वगैरह रहते हैं, ये लोग ना कोडिंग फील्ड से नॉन टेक्निकली होते हैं, इनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, इनको ये नहीं पता रहता है कि कौन से कोडिंग लैंग्वेज पे बना हुआ है, मतलब उनको उनको जस्ट डील क्लोज करनी होती है। उनको लगता है यार ओटीटी है, एप्लीकेशन ही है ना, जैसे यूट्यूब चैनल होता है भाई, जिसके 10,000, 12,000, 15,000 सब्सक्राइबर, उसका चैनल खरीद लो, व्यूज अच्छे आ रहे हैं, अपन अपने हिसाब से कॉन्टेंट डालेंगे और भी व्यूज आएंगे उस पर। चैनल की भाई बात अलग होती है, एप्लीकेशन पूरा डिफरेंट होता है। एप्लीकेशन में आपका कोडिंग, बैकएंड, सर्वर, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। आपके चैनल पे बग नहीं आएगा क्योंकि यूट्यूब उसको मेंटेन करता है, यूट्यूब के पास करोड़ों रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए अपने डेवलपर्स के ऊपर। पर अगर आप किसी का ऐप खरीद रहे हो तो उसको मेंटेन कौन करेगा, आप ही को तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। इसलिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कभी नहीं लेना चाहिए, खासकर ओटीटी में तो बिल्कुल भी नहीं। मोस्टली ओटीटी में ऐसा चल रहा है, मेरे काफी क्लाइंट्स हैं, जब मैं उनसे बातचीत करता हूँ, डील करता हूँ, उस टाइम मुझे बताते हैं, पूछते हैं सवाल, और पूछना भी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ आप लोग को कि आप लोग के मन में जो भी सवाल है ना, आप लोग बिंदास पूछो, क्योंकि आपके सवाल मेरे नेक्स्ट वीडियो कंटेंट वही बनता है जो आपके सवाल रहते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वही बनाऊँ, बिकॉज मुझे पता है जो आपके अंदर सवाल है वो मोस्ट ऑफ मेरे क्लाइंट्स के अंदर वही होगा, ठीक है। तो देखो आपको बताता हूँ मैं क्यों नहीं खरीदना चाहिए, एक और बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन आपको मैं देने वाला हूँ यहाँ पे। अगर आप नॉन टेक्निकल फिल्म प्रोडक्शन हाउस वगैरह इन सब चीजों से हो या फिर इस फील्ड में आना चाहते हो तो क्यों नहीं खरीदना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रीजन देता हूँ। देखो क्या ना, रीजन तो मैंने पहले दो बताया कि वो क्यों बेच रहे हैं, आपको क्यों नहीं खरीदना चाहिए ये अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि अगर आप एक ओटीटी का ऐप फ्रॉम स्क्रैच कहीं से डेवलप करा रहे हो, तो जिस बंदे ने डेवलप किया, फिर जिस कंपनी से आप डेवलप करा रहे हो, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना रहा है, आपकी क्या नीड है उस हिसाब से बना रहा है। दूसरा, जब आप किसी का खरीदते हो ना, तो वो बना बनाया है, वो उसके हिसाब से उसने बनाया था, आप ऐसे बस ले ले रहे हो, मतलब कोई मतलब नहीं, पैसा वेस्ट है वो, ठीक है। फिर अब दूसरे पॉइंट पे आता हूं। देखो क्या है ना कि अभी उसने कब बनाया था, 2-3 साल पहले बनाया था, वो टेक्नोलॉजी चली गई, वो चलेगा भी नहीं, आपको वापस से पैसा उतना वापस और इन्वेस्ट करना पड़ेगा खरीदने के बाद। और यहाँ पे आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे फ्रॉम स्क्रैच आपका बन रहा है, नई टेक्नोलॉजी, नई जो आपकी टेक्नोलॉजी उसमें बन रहा है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बन रहा है, हाइब्रिड चाहिए तो हाइब्रिड के हिसाब से बन रहा है ना। एक और प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना दोस्तों, कोड मेंटेन का। अभी जिस बंदे ने उसको डेवलप किया है, जो थर्ड पार्टी आप खरीदने वाले थे, अभी उस बंदे ने किस तरीके से डेवलप किया है, क्या पता उसका कोडिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, कोडिंग को किस तरीके से उसने लिखा है, या कुछ भी कहीं का भी कोड कॉपी करके रखा हुआ है, वो तो आपको नहीं पता है। पर अगर फ्रॉम स्क्रैच आप बनाते हो ना, फ्रॉम स्क्रैच, तो उसका ए टू जेड राइट भी आपके पास रहता है, आप उसको बोल भी सकते हो कि भाई मेरे को इस हिसाब से कोडिंग स्ट्रक्चर चाहिए, मैं चाहता हूं कि अगर मेरा कोडिंग स्ट्रक्चर कोई पढ़े, तीसरे बंदे को अगर मैं बेचू उस कोड को, कभी भविष्य में अगर मेरा ओटीटी आप नहीं चलेगा, मैं किसी को बेचू तो वो कोडिंग देख के मेरा प्रोजेक्ट खरीद ले। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर आप बेचना भी चाहते हो ना तो उसके भी अलग वेज हैं। अब ये तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट उसके लिए आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा कि सच में आप वीडियो चाहते हो कि आपका बना बनाया एप्लीकेशन कैसे बेचते हैं। उसके लिए अलग फॉर्मूलेज हैं, उसके लिए अलग वे है, मैं आपको प्रॉपर वे में बताऊंगा कि बेचने के कितने तरीके होते हैं, क्या स्टेप्स होता है, किन तरीकों से आप उनको बेच सकते हो, ठीक है। और बेचने के लिए आपको किसी थर्ड पार्टी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, पहली बात तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो आपके सोर्स कोड को खरीद लेंगे, ठीक है, ऐसा होता है। खैर, आपका हो सकता है आपका जो क्वेश्चन का आंसर था मिल गया होगा कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हमें एक तो बाय नहीं करना चाहिए, ओटीटी में तो खासकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओटीटी एक वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे लोग आके लाइव वीडियो देखते हैं, मूवीज वॉच करते हैं, है ना। तो इन सब चीजों में सर्वर बड़ा स्ट्रांग चाहिए रहता है, कोड को बहुत ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है, तो इसलिए ये तो बिल्कुल ही नहीं बाय करना चाहिए। और जो टेक्निकल बंदा होगा वो तो वैसे भी नहीं बाय करेगा, क्योंकि उसको पता है मैं जितने में बाय करूंगा उतने ही रेट में बहुत अच्छा बना के अपना खुद का कोड डेवलप करके अच्छा खासा मार्केट में अर्निंग कर लूंगा। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, मेरे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो ओटीटीज के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे ओटीटी पे कौन कौन से ऐड आप चला के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन मॉडल आपको किस तरीके से रखना चाहिए, सर्वर कौन सा बेस्ट रहता है।